हेलो पीपल, वेलकम टू कनेक्ट स्टाइल्स। और मैं हूं अनुष्का, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो होने वाला है, जिसके आपको टाइटल से पता लग गया होगा। यहां पे मैं ऑल गुडनेस के जितने भी पाउडर रेंज है वो आपके साथ उनका रिव्यू करने वाली हूं। बहुत सारे वेरियंट्स गाइज आते हैं ऑल गुडनेस के पाउडर के, तो यहाँ पे कुछ वेरियंट्स, उनमें से कुछ वेरियंट्स है मेरे पास अवेलेबल। वैसे तो बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, आप जो कि चेकआउट कर सकते हो। आपको जिस भी चीज के लिए, जैसे भी आपके हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए, जैसा भी आपको पाउडर चाहिए वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे उनमें से कुछ वेरियंट्स मेरे पास है, सो उनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे इन पाउडर्स का मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ। उन पाउडर्स को मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ, आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उनका एक्सपीरियंस। सो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, बहुत सारी रेंज आती है इनकी, तो मैंने उनमें से कुछ ऑर्डर किए हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये शिकाकाई का जो पाउडर है ये। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आपको लग रहा होगा कि लड़की ने पैकेट तो खोला है नहीं, तो ट्राई कहाँ से कर लिया। सो गाइज, मैं पहले ही ऑलरेडी इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैं इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर चुकी हूँ। ये 150 ग्राम्स के हैं, इनके जो 50 ग्राम्स के इनसे छोटे भी आते हैं वो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। तो सोचा मैंने कि आपके साथ भी इनका रिव्यू कर देते, शेयर कर देते हैं। सो अब मैं जब मैंने अगेन ये प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, तो आपके साथ अब मैं इनका रिव्यू कर रही हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है शिकाकाई का पाउडर आर्ब्स गुडनेस का। सो बेसिकली इसको आप कैसे लगा सकते हो अलग से, अगर आप हेयर मास्क बना रहे हो अपने लिए, कोई होम इंग्रेडिएंट आप होम इंग्रेडिएंट से बना रहे हो आपके लिए हेयर मास्क, या फिर आप नॉर्मली कोई बाहर का आप हेयर मास्क यूज कर रहे हो, सिंथेटिक हेयर मास्क आप यूज कर रहे हो, तो उसमें आप इसको डाल के लगा सकते हो। नहीं तो आप नॉर्मली इसको एज अ हेयर मास्क भी यूज कर सकते हो, यानी बिना किसी प्रोडक्ट के साथ मिला के सिर्फ इसी को आप यूज कर सकते हो। अगर आप हेयर ऑयल यूज कर रहे हो तो हेयर ऑयल के साथ मिला के आप इसको यूज कर सकते हो। तो शिकाकाई, जैसे कि आपको पता है, आपके हेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो एक्चुअल में ये हेयर्स में क्या करता है, जो मैंने इसको यूज कर चुकी हूँ, तो मेरे हेयर्स में शाइन ग्रोथ मेरे हेयर्स में आ गई थी, और एक अलग से ना वॉल्यूम ऐड हो जाता है आपके हेयर्स में, बहुत ज्यादा क्लीन आपके हेयर्स फील होते हैं, क्लीन हो जाते हैं आपके हेयर्स। आपकी जो स्कैल्प है, मेरे को जैसे डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो डैंड्रफ काफी हद तक कम हो जाती है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसको रेगुलर अप्लाई करते हैं तो डैंड्रफ काफी हद तक रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। गाइस, जैसा इसमें लिखा है कि आपकी हेयर्स को स्मूथ एंड सिल्की बनाता है, एक्ट एज अ क्लेंजर, हेयर क्लेंजर, नेचुरल हेयर क्लेंजर की तरह एक्ट करता है ये, रिजुविनेट करता है आपकी स्कैल्प को, डैंड्रफ फ्री रखता है आपके स्कैल्प को। और इसमें दो चीजें, दो पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे जो इसके हर पाउडर में मिलेंगे आपको लिखे हुए, वो है कि 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है क्रिएटेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ये दो पॉइंट्स आपको इसके हर पाउडर में मिलने वाले हैं कि ये बहुत ज्यादा नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और बिल्कुल भी इसमें पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया गया है। सो ऐसा इसमें लिखा पाउडर्स। नाउ नेक्स्ट मेरे पास है ये इंडिगो पाउडर, और ये क्या करता है, आपके हेयर्स को लॉन्ग बनाता है, स्मूथ सिल्की बनाता है, थिकर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, नेचुरल कंडीशनिंग आपके हेयर्स में करता है, ये स्ट्रेंथन करता है आपके हेयर्स को, और आपके न्यू हेयर को स्टिम्युलेट करता है, न्यू हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, और प्रिवेंट करता है अगर आपकी प्री मेच्योर ग्रेइंग आपके हो रहे, सफेद बाल हो रहे हैं, तो आप इसको मेहंदी अगर आप कोई लगाते हो तो मेहंदी के साथ मिला के इसको लगा सकते हो। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास ये रीठा पाउडर, और रीठा पाउडर भी जैसे आपको पता है, रीठा, शिकाकाई, आंवला और भृंगराज, ये सब आपकी हेयर्स के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको अपने हेयर्स लॉन्ग चाहिए, एकदम ब्लैक चाहिए, स्मूथ सिल्की शाइनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, थिकन चाहिए, तो आपको ये पाउडर एक बार जरूर ट्राई करने चाहिए। सो ये आपके स्प्लिटेंट्स को हटाता है, डैंड्रफ को हटाता है, आपके पीएच मेंटेन करके रखता है आपकी स्कैल्प का, और रिमूव करता है एक्सेस ऑयल आपके हेयर्स को, तो जिनकी ऑयली हेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये रीठा पाउडर। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास ये भृंगराज पाउडर, ये भी 150 ग्राम में, ये सारे मैं 150 ग्राम के दिखा रही हूँ आपको। ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें है, और प्रमोट करता है आपकी हेयर ग्रोथ को, और प्रमोट करता है ये शाइन, और आपकी अगेन प्रिवेंट करता है प्री मेच्योर ग्रेइंग को।
नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है ये आंवला पाउडर। सो ये क्या करता है, विटामिन सी रिच होता है इसमें, तो विटामिन सी इसमें है। सो क्या करेगा, आपके हेयर्स में शाइन ऐड करेगा, आपकी जो डैंड्रफ प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, और अगर आपकी हेयर फॉल प्रॉब्लम है तो उसको भी काफी तक रोकेगा आपकी। आप इसको अपने फेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हो, तो आपकी स्किन को ब्राइटन बनाने में हेल्प करेगा और टाइटन बनाने में भी हेल्प करेगा। आपकी सेल्स को टाइट रखता है ये और ट्रीट करता है डैंड्रफ को और हेयर फॉल को अगेन। सो ये तो सारे 150 ग्राम के मैंने आपको दिखाए। लास्ट मेरे पास ये है हिबिस्कस का, और ये 50 ग्राम का है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे 50 ग्राम के पाउचेस आते हैं और ये 150 ग्राम के पाउचेस आते हैं, और इसके भी बड़े आते हैं 250 ग्राम के, वो मैंने ऑर्डर नहीं किए हैं। ऐसे ये हिबिस्कस के आते हैं, और नॉर्मली ये सिंगल भी आपको मिल जाते हैं 50 ग्राम के, और अगर आप इसको दो लेने चाहते हो, दो कॉम्बो लेने चाहते हो, दो भी मिल जाते हैं, तीन भी मिल जाते हैं। जैसे ये तीन का कॉम्बो मैंने मंगाया है, तो ये तीन मुझे मिले 50 ग्राम के। तो बेसिकली हिबिस्कस अगेन आप अपने लिप्स के लिए यूज करते हो, कर सकते हो, अपनी स्किन के लिए यूज कर सकते हो, अपने हेयर के लिए यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगेन मैं बोलूंगी, अगर आप कोई मेहंदी या हेयर मास्क वगैरह अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हो, तो आप ये सारे पाउडर्स उसमें ऐड करके लगा सकते हो, नहीं तो इन पाउडर्स को अलग से भी आप ऐड करके लगा सकते हो, या आपके जैसे हेयर टाइप जैसे भी आपको चाहिए तो कोई एक भी आप मंगा के देख सकते हो अपने हेयर्स के लिए। रिजुविनेट करता है ये आपके स्कैल्प को, प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को, पेनिट्रेट करता है आपके रूट्स में, नरिशमेंट को पूरी कंडीशन रखता है आपके हेयर्स को अच्छे से, और हेल्प करता है डेड स्किन को रिमूव करने। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये पाउडर्स मैं पहले यूज कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं इनका रिव्यू आपके साथ कर रही हूँ। पहले मैंने पैक मंगाए थे तो वो मैंने फिनिश कर लिए थे, उनका रिव्यू मैं आपके साथ नहीं कर पाई थी। वो मैंने 50 ग्राम्स के पैक्स मंगाए थे, तो अब मैंने 150 ग्राम्स के मंगाए हैं, और अब मैं आपके साथ इनका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तब मुझे इनका रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा था, तो अब मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा आप देख सकते हो, पहले का ये पड़ा हुआ है मेरे पास, ये पैक मैंने पहले का मंगाया था, पहले शिकाकाई, तो अभी मैंने शिकाकाई का आप देख रहे हो 150 ग्राम में लिया है, और जैसा आपको दिख रहा है ये 50 ग्राम का है। सो ये पहले का पड़ा हुआ है, बट मैं इसका अगेन रिव्यू आपके साथ नहीं कर पाई, बट अभी मैं इनका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा मेरा। ये नॉर्मली कुछ इस तरीके से आता है, और फिर अंदर से एक और पैकेट में होता है, बाहर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है, नॉर्मली कार्डबोर्ड की पेपर की होती है, बट अंदर से इसमें पॉलिथीन होती है, यानी कि अंदर से प्लास्टिक होता है ये। सो अगर इसकी ओवर डेट एक्सपायरी डेट की मैं बात करती हूँ, तो नॉर्मली 3 ईयर्स की इसकी एक्सपायरी डेट है, और प्राइस की बात कर लेते हैं, तो गाइज अलग अलग पाउडर के अलग अलग प्राइस है। नॉर्मली कुछ कुछ पाउडर आपको नॉर्मल प्राइस में मिलेंगे, और कुछ कुछ पाउडर आपको थोड़े से उनके रेट्स हाई मिलेंगे, और नॉर्मली वैसे तो उसमें थोड़ा बहुत ऑफ चलता ही रहता है, बट सेल में अगर आप लेते हो तो ज्यादा ऑफ मिलने के चांसेस आपको हो जाते हैं। सो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, तो नॉर्मल 50 ग्राम का अगर आप पैक लेते हो तो आपको वो पड़ता है 54-55 ऐसे पड़ जाएगा, और अगर आप 150 ग्राम का लेते हो पूरा एक साथ या तीनों अलग अलग, तो अराउंड 118-150 के अंडर वो पड़ जाएगा, और अगर आप 250 ग्राम वाले लेते हो एक साथ तो वो आपको 250-300 समथिंग ऐसे पड़ जाते हैं। सो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो सबसे पहले जैसे मैंने किया था वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगी, नॉर्मली आप 50 ग्राम के जो छोटे छोटे आते हैं उनको आप पहले ऑर्डर करके देखिए, उनको लगा के देखिए, वो आपको अच्छे लगे बोले, देन फिर आप 150 ग्राम के मंगाइए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज गाइस डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट जितनी भी वीडियोस को अपलोड मैं करूंगी उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा सबसे पहले। सो अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, टिल देन स्टे हैप्पी।